Done. ये भी उस दिन छे गाइस, ये याद है आपको डॉगी कितना छोटू था अभी और ये बड़ा हो गया। अरे तो ना सुधर जाओ, अपने से बड़े डॉगीज के अंडे नहीं छीनते। बाय। हेलो गाइस, घर पे आ चुकी हूँ मैं, मतलब नीचे अभी गोदाम में हूँ। मेरा बच्चा, गुड्डू पाई के अंडे, गुड्डू पाई बैठ जाओ, सेट। अभी नहीं बैठूंगा दीदी, अभी सूंघूंगा। ओके आओ अंदर आ चुके। तो गाइस मैं घर पे आ चुकी हूँ और अभी बज रहे 10:30। मैं सोच रही हूँ पावर नैप ले लेती हूँ आधे घंटे का, 11 बजे उठती हूँ। फिर मतलब मैंने जिम में शेक पी लिया है, फिर अभी उठ के पराठे वगैरह खाऊंगी, तब तक पावर नैप ले लेती हूँ। गुड नाइट। सो गाइस, हम उठ चुके दोबारा। हमारा प्लान था कि हम उठेंगे 11 बजे, पर हमें बेड ने पर अब बज चुके हैं 12 और मैंने पराठे बना लिए हैं, मतलब मैंने और अर्शिका ने मिल के देखा। तो अभी मैं अपने आप को नहाऊंगी, मैं नहाऊंगी। तो मैं नहाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद, पूजा करने के। चुप। हाँ मतलब मैं नहाऊंगी और फिर पूजा करूंगी, फिर खाऊंगी। ओके नहाने के बाद मिलते हैं। अब चुप हो जा, चुप। अब आप लोगों को नहाने तो साथ नहीं लेके जा सकते ना, चुप। चलो बाय बाय। गाइस पूजा डन और मैं हेयर लाई थी क्यूटी पाई के। गाइस अब दोपहर का टाइम, ये टाइम होता है गुड्डू जी के सोने का। इस टाइम वो अपने बेड पे सोते हैं। रात को भी आपको भीख मांगनी पड़ती है कि प्लीज़ अपने बेड पे आ जाओ। ये टाइम गुड्डू मतलब क्या क्या कर चुका होता है, सुबह पॉटी कर चुका होता है, पापा के साथ वॉक पर जा चुका होता है और क्या करते हो आप? हाँ, हमारी आंटी आती है जो काम करती है घर पर, तो उनके साथ सफाई भी करवाता है ये, है ना। और अब जाके ये फ्री होता है सुबह, ये है ना गुड्डू, ऐसे ही बोल रहा था ना। हाँ, ये कहता है कि मतलब वो लिया करो फुटेज मेरी। बाय, गुड नाइट। सो गाइस, पूजा इज डन, नाउ इट्स टाइम फॉर पेट पूजा। सो पेट पूजा करते हैं। पूछी खाने में है चाय, पराठे और ये थी मतलब सब्जी आई थी पनीर की, वो खाती। आलू भी है पर नो पनीर। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ना मैंने आज आपको रेडी होके नहीं दिखाया, क्योंकि गाइस आपको पता ही है मैंने कल वाले कपड़े ही पहने, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता है। मतलब मैं फ़ोटो मतलब बाहर जाती हूँ तैयार होकर, मैं सोचती हूँ आज फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, फिर मेरी नहीं आती तो मैं कपड़े फिर अगले दिन सेम पहनती हूँ, गंदे हो संदे हो। और मैं आज अच्छी लग रही हूँ, उसमें चमक आ रही है ना छत मेरे चेहरे पे। ब्लिंकिट वाले भैया का कॉल आ गया। हेलो काफी भैया। हेलो। सो गाइस, भैया आ गए थे ब्लिंकिट वाले, तो हम वो कर रहे थे। और आज मैं फिर स्पेशली मैं जा रही हूँ अभी फ़ोटो और शूट के लिए। मैंने कॉम्ब हाथ में ले लिया, लिपस्टिक ले ली, मास्क ले लिया और फटाफट शूट करके आ गया। थैली लग गई, थैली। मेरे पैर छू जल्दी, पैरों से, हाथों से। स्ट्रॉबेरी नहीं दूंगी। क्या है ये? मैंने भी कल बोला था कि मैं प्लास्टिक यहीं पे कर लेती हूँ शूट, खाली होगा तो अच्छी आएगी। जैसे आंटी आ रही है ना वॉक करते हुए, वैसे ही मैं आऊंगी। ओके। सो गाइस, फोटोज आ गई है।
बाहर का खाना कम खाएंगे। मैं खाऊंगी, ये नहीं खाएगा, मैं तो खाऊंगी। तो घर जा रहे हैं हम लोग, घर जाके चिजी खाते हैं। चलो चले। गाइस घर पे आ चुके हैं हम लोग। घर पे आके हम यार मैं कैसे गंदे तरीके से दूध और ये खाएंगे गाइस हम। स्ट्रॉबेरी, अनानास और ये क्या हर्षित मिक्स। और ये है हर्षित बना के लाए जिसमें पनीर है। इसके लिए मैं इसे 100 रुपये दूंगी। नहीं दूंगे। एक्सप्रेशन तो चेंज किए तो मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों को। लाइट बट गई। सो गाइस आज का टॉपिक है ज्ञान भरी बातें हम करते हैं, आपको भी पता है। सो आज का टॉपिक था कि सोशल मीडिया जो है वो रियल नहीं होता। अब जैसे मैं ना ऐसे ही डिस्कस कर रही थी कि मेरी लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ चलता है। जैसे मैं बीमार हुई थी, मेंटली मेरे ऊपर बहुत कुछ, मतलब मैं पागल हुई थी बीच में, तो मैंने सब कुछ नहीं बताया। तो आप लोगों को तो यही दिखता होगा, मतलब देखो जो अगर इंस्टा पे देखते हैं लोग उनको यही लगता होगा, उठी रेडी हुई, मेकअप किया, मुंह थोपा, इसने बाहर की वीडियो बना रही है, खा रही है। मैं खाने की डालती रहती हूँ ना। अब आपको रियलिटी थोड़ी ना पता, उसमें से एक चक मार के मैं हर्षित को दे देती हूँ। तो ऐसी सोशल मीडिया है, हम सिर्फ जितना दिखा रहे उतना आपको दिख रहा है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं पता। फेक भी करते हैं लोग, फेक हो भी सकता है। तो कभी भी अपना मतलब लाइफस्टाइल भी मत बदलो, मतलब दिखाने के लिए। अब जैसे मेरी रियलिटी ये है, पर मैं बाहर क्या बन के गई थी आप लोगों की, वो ये तो लड़की वो है, और बाहर वाले भी कहेंगे ये तो मतलब पागल है या मॉडल है या जो भी है। इन्फ्लुएंसर कम समझते हैं लोग, उनको मॉडल समझ आता है। तो रियलिटी ये होती है, रियल मतलब ऐसे है, तो रियल रहना चाहिए। और गाइस हम बहुत ही जल्दी कहीं जा रहे हैं, अब मैं बोल दूंगी ब्लॉग में क्योंकि अब बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ। और कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ नहीं अभी तक तो नहीं। और आज हम आपको दिखाएंगे H&M के कपड़े। स्टे ट्यून्ड गाइस। चाय के साथ गपशप हो रही है, रिमेम्बरिंग अवर ओल्ड डेज। जैसे अभी हम बहुत बूढ़े हैं। सो गाइस हम थे कहाँ पे थे, हम क्या बोल रहे थे, हाँ हम थे, मतलब मेरे को लगता है जो बात अच्छी है ना वो सामने भी बोलनी चाहिए। सो मैं थी कि हम जब छोटे होते थे तो हम मॉल घूमने जाते थे सब लोग, अभी भी कई टीनेजर्स, और मेरे को पता है मेरी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर बच्चे ही हैं सारे। तो हम जब छोटे होते थे हम, तो मैं इधर उधर देख के बोलने लगी हूँ, जब से मुझे टोका है ना मुझे पता भी लग रहा है। हाँ तो मैं कहाँ पे थी, मतलब हम जब छोटे होते थे हम मॉल्स क्यों जाते थे, घूमने जाते थे, पर अब जैसे जाते हैं ले लेते हैं, मतलब इतना भी कुछ वो नहीं जो हमें वर्थ लगता है कि हाँ ये चीज़ इस प्राइस की ठीक है, अभी भी हम उतना ही लेते हैं। ऐसे भी नहीं है कि किसी चीज़ पे हाथ रख ले उठा ले, और ऐसे कभी होंगे भी नहीं, मतलब हो सकते हैं पर पैसों की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। I guess नहीं होंगे, जितना भी हमारे वर्थ नहीं है तो नहीं, वर्थ नहीं है तो नहीं है। मतलब हम एक बार गुस्से पे थे, क्या था वो वर्साची, क्या बोलते हैं वर्साची, उसका भाई स्टोर था, इतनी वाइट प्लेन शर्ट 15,000 की, हम यूं भाई कितने भी अमीर हो जाओ कोई कैसे ले सकता है इतने, मतलब 15,000 का तो कुछ नहीं था उसमें, तुम ब्रांड के नाम पे उसको 1500 दे सकते हैं। पर ठीक है चलो, करोड़ में शायद करते हो और वो लेते हो, कोई तो लेता ही होगा, ये तो है पॉइंट। मतलब जो ब्रांड कौन से वही लेता हो, पर नहीं जिनका लाइफस्टाइल ही वैसा है। मेरे को जैक एंड जोन्स की टी-शर्ट भी सेम लगी, काइली जेनर की भी सेम लगी, काइली जेनर उसका तो लाइफस्टाइल ही वही है ना। तो हम काइली जेनर तो नहीं है। हां ये खेल रहा है लड़का। हां गाइस मुझे नहीं लगता मैं अर्न भी कर रहा हूं ना उतना, मैं एक टी शर्ट लूंगा हाँ शौक पूरा हो गया रख दी। हाँ मतलब हम अगर जैसे लुई विटॉन ले रहे हैं सारे, मतलब बैग्स वगैरह में ले रहे हैं 2-2, 3-3 लाख के, तो वो उनका शौक है। पर कई लोगों का वो लाइफस्टाइल भी होता होगा, ले लेते होंगे, चलो वो सब साइड रखते हैं। मेरा पॉइंट ये था जब हम छोटे थे तो हम ऐसे होता था H&M जा रहा, तो जिस टाइम पे सुनने लगे उस टाइम पे भी यही लगता था 1000 रुपये की ये वो कैसे, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे छोटे होते थे 1000 का तो बजट ही होता था। अब टच वुड मतलब ले लेते हैं, तो वैसे इतना भी कुछ आप लोग भी ले सकते हो, मैं ये कह रही हूँ। अभी आप लोग छोटे हो, आप लोग बड़े हो गए ना, सेल्फ फंड करोगे, आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, तो आपको बहुत प्राउड फील होगा और अच्छा लगेगा। तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, मेरा हाथ दुख गया। हाँ चाय पे चर्चा चलती रहेगी हमारी, जितना मुझे खा के क्यों बोल रही, जितना मुझे सही लगा था वो मैंने बता दिया। बाकी मतलब यही कहने का मतलब है मेरा कि जिंदगी में
आप ले सकते हो, आप अपने शौक पूरे कर सकते हो। मॉल घूमने के लिए होता था, अब मॉल में ले भी सकते हैं आप। इन फ्यूचर और कुछ भी अच्छा अच्छा करेंगे और आप लोग भी कर सकते हो। मतलब वो सिर्फ एज एज की बात होती है। इवन तुझे पता है, जब मैं और अर्चिका पहली बार मंगल बाजार गए थे, पापा ने हमें पैसे दिए थे। मतलब शॉपिंग तो अलग ही करी और पापा ने हमें पैसे दिए थे कि मेरे बच्चे बड़े हो गए समझदार और अब आज का दिन है वो रोते हैं। इसको मतलब अब कपड़े हो गए हैं, कपड़े रखने की जगह नहीं है, तो समझ रहे हो। धीरे धीरे बढ़ते हैं तो सब अच्छा लगता है। चलिए बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, हम आपको दिखाने वाले हैं, ऐसे नहीं बोलते। सो गाइस, जो भी कल लिया था वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये जो पजामा मैंने जिम पहन के गई थी, घिसा है आज, ये लिया था एक, तो इसका प्राइस था 1200 रुपया। और ये न्यू था, कोई सेल वेल नहीं थी, लूट मार मची हुई थी सेल के नाम पे। ऐसा नहीं है आशिमा, ऐसे झूठ नहीं बोलो। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, तो टैग भी पड़ा होगा। क्यों दिखा रही हूँ मैं फालतू की चीजें? आप काम की चीजें देखो। सो ये एक टॉप लिया था हमने, ये अब सब गर्मियों में काम आएंगे। निक्के निक्के जे कपड़े, ये भी 600 रुपए का मिला है हमें। क्यों लिया मैंने? 599 जो कि था ऑन MRP 699, 100 रुपए कम में। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, बकवास सेल थी, खुश मत हो। ये मैं अच्छा ले आई, इसका कपड़ा तौलिए जैसा है, बहुत छोटा सा है ये। और ये है, ये हमें सस्ता मिला है, ये इसका प्राइस था ओरिजिनल 799, ये हमें मिला 300 रुपए का। इसके अलावा मैंने लिए, बस मैंने ज़्यादा नहीं लिए, इसके अलावा मैंने लिए जिम की पजामी एक, क्योंकि सही लग रही थी ये क्वालिटी भी, और ये ऑफ पे थी। ये है 2000 की ओरिजिनल, डिस्काउंट में भी मिली है 900 रुपए की। सो यही लिया मैंने, चार चीज़ें ली है। आप लोग अगर सोच रहे हैं H&M जाने की सेल पर्पस पे, तो मत जाओ। और वैसे भी इस टाइम का कुछ कलेक्शन अच्छा नहीं है। हर्षित ने भी कुछ भी नहीं लिया। सोचो, जब हर्षित ने कुछ नहीं लिया तो कलेक्शन बेकार ही था। ये हर्षित बहुत शॉपिंग करते गाइस। सो यही था। और अभी अभी का प्लान ये है, हम जाएंगे बाहर और आप लोगों को साथ में लेके जाएंगे और बाहर से कुछ गंद नहीं खाएंगे। चलो गाइस, अब आज हो गई है रात, रात के बज चुके हैं 10। मेरे को तो भाई जो काम बोला था मैंने कर दिया, लेट किया भले ही। हमारे घर में कटहल आए थे और वो ना खो गए कटहल। और गाइस, आशिमा का जो गंद रहता है खाना, 3-3 दिन पुराना, वो हम सब ने खो जाए। मम्मी ने मेरा क्या खाना है, मम्मी बताना मेरा क्या खाना निकला है, बता पापा क्यों कवर क्या कर रहे हो, देखा वीडियो में। खाते नहीं तो हम ये नहीं चाहते कि वो खो जाए। गाइस प्लीज, आप लोग सपोर्ट करिए #FindKathal। गुड्डू सुंगू क्या ढूंढ देगा। सो गाइस, जब हमें कटहल मिल जाएंगे हम आपसे तब मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। घर की काबिल लड़की ने कटहल ढूंढती है जो कि मैं ही हूँ, इसलिए जुम्मा जुम्मा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। #कटहल। मेरी बहन यहाँ पे फोन चला रही है, काम कर रही हूँ मैं, सब्जी बना ली है इसने। क्या सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, सब्जी मेरी बहन ने बनाई है। क्रेडिट, हाँ खींच ली फोटो, पूरे क्रेडिट दे दिए मैंने, जिसने जो काम किया है उसको वो। सो रोटी बनाने के बाद मिलते हैं। गुड्डू भाई खुश है। हाँ, बेला बेटा।